पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो दो भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी हमने सदैव उसका पालन किया है, और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, ना उससे एक कम है ना एक ज्यादा है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े दलित शोषित अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे उसमें वो कितना गंभीर है ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बाद से कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी क्योंकि तीनों सीटों आपने घोषित की उनके खाते की है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है, और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि ये पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख ज़रूर है, मुझे इस बात का शोक जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, इस वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को ख़त्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, आप गठबंधन में नहीं है फिर तो? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी, इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है, तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? अगर हम गठबंधन में हैं तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं, सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसकी कोई लिखित जानकारी आप लोगों के पास आई है क्या? हमको
तो जब उनके लिए वो नियम लागू नहीं है तो इस इंडिया अलायंस के एक गठबंधन साथी होने के साथ वो नियम हम पे कैसे लागू हो जाता है। अभी क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ उन्होंने एमएलसी बनाया, लेकिन जब वो सपा से अलग हुए या अपनी पार्टी की बात की तो उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया नैतिकता के वास्ते। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक है, क्या करेंगे? क्योंकि गठबंधन अखिलेश ने सीधा बोल दिया कर, उसमें अब कोई दो राय नहीं है कि वो पहले 22 में था, अब 24 में गठबंधन नहीं है। आप इस्तीफा, तो आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार आपके पास थोड़ी ना है। मैंने तो कहा अभी मुझसे इस्तीफा मांगने की और मुझे पार्टी से निकालने के दोनों अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। मांग लेना। वो नहीं मांगते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं तो खड़ी हूँ हर चुनौती के लिए। तीन सीटें मांग रही हैं, क्या आपने आपको ओवररेट नहीं करनी? आपकी जो सिस्टर है वो बहुत पुरानी पार्टी है, कोई नहीं, आप अपनी पार्टी को ओवररेट नहीं कर रही हैं। देखिए एनडीए अपने घटक दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी, ये उनका निर्णय है। मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो तीन सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवररेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। देखिए ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं, जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। कहा जाएगी प्रेशर टैक्टिक से आपका ये, आपने कैंडिडेट उतार के प्रेशर बनाने की कोशिश की अखिलेश यादव पर, उनके लोग ये बातें कह रहे हैं। देखिए प्रेशर वेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करता, हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते, संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। देखिए हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे, 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया, तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला, और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि पीडीए अब बिखर रहा है, पिछड़ा पहले अलग हुआ, दलित अलग हुआ, तो आपको लगता है कि अब पीडीए पूरी तरीके से बिखरा हुआ है? पीडीए एक मिशन है, पीडीए एक मिशन है और वो किसी के जेब का एजेंडा नहीं है, वो एक बड़ा मिशन है, वो एक बड़ा सूत्रधार है इस देश की राजनीति का, और पीडीए ना बिखरा है ना बिखरेगा, पीडीए और मजबूती से आगे चलेगा। बहुजन समाज पार्टी से भी कोई लगता है ना कोई सहयोग ले सकती है? नहीं अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं कांग्रेस में मैम आपकी किसी से बात हो रही है, शीर्ष नेताओं में प्रियंका से, राहुल से, किससे बात हो रही है? नहीं देखिए उनके ऊपर छोड़ दिया है तो कुछ बात तो हुई होगी ना। देखिए इंडिया अलायंस में शुरू से ही हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के निमंत्रण पर, उनके आह्वान पर इन मीटिंग्स में हम जाते रहे और हिस्सा बने, तो उनके नेतृत्व पर ही हमने ये डिसीजन छोड़ा है और उनको ये बताना होगा कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। उनको पता भी है नहीं है बात तुरंत आपने लिखा? नहीं आपको पता चल गया, उनको भी पता नहीं है। हम लोग तो काम पता करना कि कहां क्या चल रहा है, वो पता है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका बनाया हुआ इंडिया अलायंस किधर जा रहा है। अच्छा पल्लवी जी एक सवाल ये है कि आप पिछले कुछ वक्त में जब भी आपसे इंटरव्यू हुए आपने अक्सर ये कहा कि सीटों के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है विचारधारा की जो हमारी लड़ाई है उसको आगे बढ़ाना जी। लेकिन ये जो आपका जो टूट हो रही है ये 3 प्रत्याशी उतारने के बाद हुई है, लग नहीं रहा कि अखिलेश नहीं बल्कि आपकी तरफ से गठबंधन में दरार है? नहीं देखिए
अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में तीन प्रमुखता से पार्टी हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है, तो आप हमको स्पष्ट कर देते। तब आप मुतमईन रहेंगी अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है, तब आप साथ में रहेंगी? देखिए, मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूंगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुंचाने के लिए, अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बैठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। हमने, अगर हम सिर्फ टूट ही करना चाहते तो हम तीन डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और सीटें भी कर सकता था। पल्लवी जी, कहा जा रहा है कि आपकी वार्ता समाजवादी पार्टी में समय हो रही नहीं, इसलिए आपने दिल्ली से ऐलान किया कि लोग वार्ता करें। मैंने तो अभी आपके सामने कहा कि वार्ता के लिए हम हमेशा ओपन हैं, और हमने अपनी बात शुरू करते वक्त भी कहा कि ये तीन सीटें हमने वही डिक्लेयर की हैं जो वार्ता के बाद हमारे सामने थी। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का मिशन इस बात का है कि इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। अनुप्रिया जी अपना रास्ता चुन चुकी हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम उस मिशन को लेके चल रहे हैं। ये नेतृत्व किस तरफ जाना है और किससे मिलना है, किसके साथ चलना है, ये नेतृत्व डिसाइड करता है। मैम, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर आपको ऑफर करेगी तो आप विचार करेंगे उस पे? ये नेतृत्व पूरी तरह से डिसाइड करेगा, जैसे नेतृत्व ने ये डिसाइड करा था कि हमें पूरी ताकत के साथ एनडीए के सामने खड़े होकर के पीडीए की लड़ाई लड़नी है, आगे भी क्या करना है ये नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। जी, कहा ये जा रहा है कि जब से आपने कांग्रेस के साथ में सीधा संपर्क कर लिया, ये चीज रास नहीं आई। आप राहुल गांधी के साथ बैठी थी उनकी यात्रा में, आपने उनसे संवाद भी किया, अखिलेश यादव स्टेक होल्डर है, आपने उनसे बातचीत की, उनके द्वारा जाना ठीक नहीं समझा? देखिए, इंडिया अलायंस का नेतृत्व अगर कांग्रेस कर रही है तो एक अहम अंग की तरह, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को इनवाइट किया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनवाइट किया, तो इसमें सीधे संवाद, डायरेक्ट संवाद और पीछे से संवाद जैसी कौन सी बात है? पल्लवी जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को सीधे गठबंधन में मिल गई थी, सपा को भी मिल गई, ऐसे में कांग्रेस से आपने कभी नहीं पूछा भाई आपको 17 मिल गई, उनको 63 मिल गई, हमारी हिस्सेदारी क्या है? क्या कांग्रेस से आपने वार्ता किया किसी मतलब गंभीर व्यक्ति से जो डिसीजन लेने वाला हो? देखिए, अब आपके इस सवाल का जवाब मुझे अभी तुलसीदास जी की जो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालिए पोसिए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो इसके मुखिया हैं इस इंडिया अलायंस के, मैं उनके ऊपर छोड़ती हूं कि जब उन्होंने हमें इसका अभिन्न अंग बनाया तो आज वो निर्णय लें। अच्छा, कभी भी एक बात बताइए, क्या आप दोनों बहनों में अरे अभी एक अलायंस की बात कर लीजिए, सारे अलायंस की बात आपको आज ही क्यों करनी?